Hello. 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 Haji Paji, welcome to the show. कौन बोल रहे हो? मैं मेरा नाम परमजीत सिंह है जी, जर्मनी तो मैं बोल रहे हैं इस टाइम। पाजी स्वागत कर रहे हैं, डॉक्टर वाले सुन रहे हैं, की पूछना चाहते हैं तुसी? मैं अपने जो भी इन्हां नाल मैं इलाज कराया थी उसके बारे में कुछ गल्लां तुहाडे नाल शेयर करना चाहना हूँ। बिल्कुल। मैनू कोई तकरीबन 10 साल तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, तो तुहाडे चैनल द्वारा ही प्रोग्राम जदों देखिया तो इन्होंने डॉक्टर साहब वाली होर ने मेरे ना अपना इन्ह दी गल्लां सुनिया तो उस मुताबक मैं एक कराया थी उसके बारे में कुछ गल्लां तुहाडे नाल शेयर करना चाहना वा। बिल्कुल। मैनू कोई तकरीबन 10 साल तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, तो तुहाडे चैनल द्वारा ही असी ये प्रोग्राम जदों देखिया तो इन्होंने डॉक्टर साहब वाली होर ने मेरे ना अपना इन्हों दी गल्लां सुनिया तो उस मुताबक मैं एक महीना डेढ़ महीना मैं अपने लाइफ स्टाइल में चेंज किया, फिर इन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो इन्हों की दवाई शुरू की और इन्होंने जिस तरह भी मैंने दसिया उस सिस्टम के मुताबक मैं अपने आप में चेंज किया। इन्होंने बल्कि दवाई शुरू करन तो पहला ही जो इन्होंने लाइफ स्टाइल चेंज करने लिए किया सी गल्लां कहीं सी उसके नाल ही मैनू ब्लड प्रैशर दे विच मेरी बेहतरी होनी शुरू हो गई सी। उस तो बाद फिर इन्होंने जो मैं दवाई शुरू की है तो दवाई के नाल मैनू इन्ना फर्क पिया कि इन्ना अच्छा वह रिजल्ट आया कि मैं ब्लड प्रैशर की अपनी गोली छड़ गया वा। क्या बात है। हाँ जी, उस तो बाद जी मेरी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सी उसके भी मैं बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं इतने तक सी कि मैं गोली के नाल मैं शाम को इंसुलिन भी लेनी पैंदी सी। हाँ जी, उस दे नाल फिर मैनू हुण जो मैनू तकरीबन एक महीने तो उपर हो गया इन्हां दी दवाई शुरू की है और उस दे इंसुलिन तो बिना मेरी शुगर हुण हाफ दे उत्ते जिस तरह कि मैं कहिंदा सी पहला इंसुलिन लैनी पैंदी सी तां जे नहीं सी लैंदा मेरी 200 दे उत्ते चली जांदी सी, हुण मैं टैसट करके वेख्या उही इंसुलिन जिहड़ी मैं इंसुलिन ना लैण तों मेरी शुगर जिहड़ी ओह 150-160 दे उत्ते रहा जो कि 200-250 तक हुंदी सी। बहुत अच्छे। हाँ जी, और इन्हों की दवाई का मैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो जो लाइफ स्टाइल इन्होंने किया चेंज करने दुध वगैरह ज नमक वगैरह चेंज कर ली वह सब कुछ असी उस तरह किया तो उसका बहुत फायदा होया है और इस दवाई जी है मैं पूरी तरह यह अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगों वैसे मेरी दवाई वैसे चलती है जी। जी डॉक्टर जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा तुसी मेहरबानी की अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, असं इनकरेज करते हैं कम अज़ कम इस एक्सपीरियंस नाल सुनने वाले नूं यह पता लग जाएगा कि इंसुलिन के टीके तो जान छुट सकती है, पूरी जिंदगी तुहाडे लई एक सजा मिल गई है, तुहानूं टीके लाई जाओ। ये हुण एक एग्जाम्पल है और इहो जिहियां साडे कोल सैकड़ों की तादाद एग्जाम्पल ने कि अगर तुम अपने खाने पीने चेंज कर लो और इन्होंने जी पहली गल की है कि मैं अपने खाने पीने ठीक किया दवाई दवा तो पहले ठीक है। हाँ, तुम की खाने पीने चेंज किए ने डॉक्टर साहब? जिस तरह तुम दसिया जी कि सब तो पहला तो नमक चेंज करो, जोड़ा पिंक नमक है हिमालय कंपनी का जिस तरह भी वो आता है वो असी चेंज किया। उस तो अलावा जो दुध दियाँ सियाँ असी पहला बाजारी दुध लेंदे सी हूँ मैं डायरी तो दुध लैंदा वा तो उस दुध तो जो भी असी दही वगैरह बनानी देसी घ्यो भी असी घर ही उस दुध तो ही बनाने जिन्ना कुछ भी सी असी तेल वगैरह होर जो इन्हां दे सी वो असी बंद कर दिते। जो फूड्स जिहड़े अपने पैकेट विच आते ने डीफ्रीज होए होते वह भी असी नहीं यूज करते हैं, ताज़ी चीज़ा बनानी ताज़िया उस चीज़ के भी असी यह चीज़ चेंजिस की असी अपनी घर के मेन जिहड़ा सी जिस तरह तुसीं दस्सिया कि एक माइक्रोवेव नहीं होना चाहिदा वह असी चुकी दिता हमेशा वास्ते। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह दी गल्लां ने असी डॉक्टर साहब असी बाहरले कंट्रियां च ते आ जाने आ उस दे विच असी ये अपना सब कुछ जो असी पिछे रहिंदे सी उस चीज़ नूं भुल के पैसे दी तरफ पक्के होना जां इन्हां चीज़ां च आके असी अपने शरीर नूं खराब कर लिया। हाँ जी, सही गल है, सही। हाँ जी, ठीक, चलो, थैंक यू वेरी मच सर, तुसी तशरीफ ले आए हो, टाइम कढ़िया, आप एक्सपीरियंस शेयर कीता, बहुत मेहरबान। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट विच मेरी एक रिक्वेस्ट सी जी, तुसी जो इत्थे औरतां दे विच
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਈਰੋਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਰੋਇਡ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਈਰੋਇਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਿਪਸ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਈਰੋਇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਈਰੋਇਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਈਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਸਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥਾਈਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ।